सोमवार को लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी के सदन में किए गए हिंदू वक्तव्य का विरोध करते हुए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से विरोध किया गया। सोमवार को लोकसभा में विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी ने सदन में बात करते हुए हिंदू पर किए वक्तव्य पर अब राजनीति गर्मा गई है। मंगलवार को राहुल गांधी के वक्तव्य पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से शहर के छापरी नगर चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कल संसद में राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू बोलो तो हिंसा है, हिंदू बोलो तो हिंसा है, हिंसा 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 का मतलब होता है झगड़े 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 करना, मारपीट करना, दंगे करना। क्या हिंदुओं के प्रति इतना गुस्सा राहुल गांधी के मन में है? क्या हिंदुओं के प्रति इतना राग उनके मन में है? क्या हिंदू समाज को ऐसा ही समझते हैं? इस देश के करोड़ों लोग कहते हैं कि कहो गर्व से हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है, भारत ये हिंदुस्तान है, और हिंदुओं का इस प्रकार अपमान इस देश में सहा नहीं जाएगा। वो भी बड़ी संसद में तुम कहते हो इस देश का हिंदू शांत नहीं रहने वाला। हम हिंदू समाज के तरफ से एक हिंदू होने के कारण मैं राहुल गांधी से बोलता हूँ कि तुमको हिंदुओं का अपमान करने का अधिकार किसने दिया है? हिंदुओं का अपमान करने का अधिकार तुमको किसने दिया है? तुम्हारे को हिंदुओं का अपमान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इसके बाद तुम करोगे, और जब तक तुम हिंदुस्तान की जनता की माफी नहीं मांगोगे, ये युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रकार ही आंदोलन करते रहेंगे। और आपके माध्यम से उद्धव ठाकरे जी को भी एक प्रश्न है कि उनको ये राहुल गांधी का भाषण का समर्थन है, उनको राहुल गांधी के इसका समर्थन है? क्या उद्धव ठाकरे जी राहुल गांधी के हिंदुओं का इस प्रकार का अपमान सहन करते हैं? उद्धव ठाकरे ने इस पर उत्तर देना चाहिए। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।